I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind. 134 किलोमीटर डिस्टेंस पे सारे एक ही वे में चलेंगे, सिंगल फॉर्मेशन चलेगी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस राइड है, शॉर्ट ब्रेकफास्ट राइड होती तो मैं शायद डबल में चला देता। साइंस सबको पता ही है, जिसको ना पता प्लीज पूछ सकता है, एक बार नहीं 10 बार पूछ, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। I'm feeling lost, not found. I'm drowning in the bass right now. I listen like a drug I found. Addicted to the plug right now. And I hate the time just keeps on. दोस्तों अभी हमने अलवर सिटी में एंटर कर लिया है। ये अलवर सिटी है और ये बहुत ही बड़ा कोई गेट है जिसको चारों तरफ से इसका रास्ता निकलता है। और अभी हम जा रहे हैं बाला किला, और उसको अलवर किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अरावली हिल्स पे प्रेजेंट है और जो सिटी से ऊपर की साइड पे है। तो हमें सिटी के अंदर से होके जाना पड़ेगा, और ये हम अब अलवर किले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी जंगल है हमारे आसपास, तो काफ़ी शानदार है। और ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट पे हमें टिकट ली है 10 रुपये की, और अपने व्हीकल की 20 रुपये की टिकट। और मेरे पीछे ये किला है जो बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम चलेंगे ऊपर, हमने गाइड भी हायर किया 200 रुपये में, और यहाँ पे एक जीप भी मिलती है, जीप सफारी भी होती है, जो जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करती है और कई पॉइंट दिखाती है, जिसका प्राइस है 1360 रुपये। ये जो चांदपोल गेट है, ये बाला किला का फर्स्ट नंबर का गेट है, और इसके जो डिज़ाइन है मुगल डिज़ाइन के जैसा है, और चाइना वॉल्स भी बोला जाता है। और इसकी बाउंड्री वॉल्स हैं वो 11 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल्स हैं, जो बाला किला इसके बीचों बीच है। इसको किलाबंदी भी बोला जाता है, और बाला किला फोर्ट इसके बीच में, इसलिए परकोटे भी है इसका नाम, हिंदी में परकोटे बोला जाता है इसको। और ये नीचे वाले वैली है, इसको अंधेरी जॉन बोलते हैं, ये दिन के टाइम भी वहाँ पे अंधेरा रहता है, इसको इसलिए अंधेरी बोलते हैं। और जयपोल गेट और अंधेरी फोर्ट, अंधेरी फोर्ट इस जंगल के नाम पर गेट का नाम पड़ा, और जयपोल It's broken by design, yeah. I'm feeling lost, not found. I fell in love with sounds, and I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling. और ये राजा जयसिंह के नाम पे जयपोल बोला जाता है इसको। और जो मैं अंधेरी के बारे में बता रहा था, अंधेरी पोल ये है, ये 3rd नंबर का गेट है। ये पोल इसकी यहाँ से जंगल में से रास्ता डायरेक्ट बाला किला के अंदर आता था, इसलिए इसको जयपोल बोला जाता है। और इसके आगे जाके डैम है जयताल, जो बारिश होती थी वाटर स्टोरेज के लिए राजा ने बनवाया था। तो वाटर स्टोर होता था, बारिश का पहाड़ का सारा पानी इकट्ठा होता था इसके, जब ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाता था तब इसका गेट वॉल खोलते थे, जब पानी आगे की तरफ निकलता था, तो इसलिए इसको जयताल बोला जाता है। जयताल नाम रखा था जयसिंह जी ने, और पर अच्छा लगने के लिए इसको भी जयतुल भी और जयताल भी बोला जाता है इसलिए। और फिर इसके जो ऊपर देख रहे हो, ये वॉच टावर है, ये वॉच टावर और जो आप वॉच टावर देख रहे हो वहाँ पे सामने, ऐसे ही अभी वहाँ पे जब चांद पोल के पास खड़े थे, 8 वॉच टावर है, और इससे बड़े वाले वॉच टावर है 15 वॉच टावर है, जो पूरी किले की निगरानी के लिए राजा के सैनिक यहाँ रहा करते थे। और कुछ अगर मैसेज देना होता था तो कांच के रिफ्लेक्स से मैसेज दिया जाता था अंधेरी पोल के नीचे। और फिर आप जाएंगे नलेश्वर महादेव, फिर पांडुपोल हनुमान मंदिर, फिर भरतरी जी, ताल वृक्ष, गरबा जी, वहाँ पे जो 8-10 पॉइंट है वहाँ पे हमेशा पानी रहता है और कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखता। ये जो अभी आपने नीचे व्हाइट सब एक मंदिर टाइप में देखा, ये है करणी माता का मंदिर। करणी माता वो थे कि फर्स्ट बीकानेर में, सेकंड अलवर में करणी माता, जहाँ चूहे होते हैं मंदिर, चूहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये, इसके बाद कहते हैं ये है सलीम सागर, ये सलीम सागर इसको इसलिए बोला जाता है, राजा अकबर का बेटा सलीम से ज्यादा उसने इस सागर को बनवाया था पानी के लिए। और सलीम को बाला किला फोर्ट के अंदर 6th मंथ के लिए नजरबंद किया गया था, अनारकली के साथ अफेयर चला था। अच्छा, वो यही किया गया था क्या? उनके पिताजी ने उनको सजा दी थी, और जो अनारकली थी उसको बूंदी के किले में जिंदा चिंदवा दिया गया, बूंदी जगह है जो। और सलीम को बाला किला फोर्ट के अंदर नजरबंद किया गया था 6th मंथ के लिए,
और ये पानी सागर सलीम ने ही बनवाया था। इसमें इसकी छतरियाँ और इसके ऊपर जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो वो डैमेज हो चुकी, इसके ऊपर रूम बने हुए थे, अब इतना बिल्डिंग नहीं बचा। ये पूरा इसमें इतना पानी हुआ करता था और ये पूरा डीप हुआ करता था। और ये जो गुम्बद टाइप में है, ये यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इनके जो सिपाही थे वो नमाज अदा करते थे। और इस पहाड़ के अंदर ऊपर सुबह हाइट पे एक मज़ार है सैयद बाबा की, जो इस तरह मुँह करके और वो मज़ार पढ़ते थे। और दूसरा इसको हम पाइथन पॉइंट भी बोलते हैं। अब सुनो, पाइथन भी पाए जाते हैं जंगल में, सब कम से कम 18 फीट 15 फीट लंबे पाइथन है इस जंगल में। और इसको Sometimes I never feel like I could take a break. I don't know why this world just wants to make me wait. I don't know why this world just wants to make me wait. Lama sahab, haan ji, Lama sahab ka driver puri taiyari ke sath aaya hai. My god, I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling lost off. फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं अलवर किले में और देखिए कितना शानदार किला है, बहुत ही खूबसूरत किला है। और इसको हम अलवर फोर्ट भी बोलते हैं, बाला किले को। और ये एकमात्र ऐसा किला है जिस पे कभी अटैक नहीं हुआ, ये अनबीटन किला माना जाता है। बहुत ही शानदार इतिहास है जो हमारे गाइड के द्वारा बताया गया है। उल्टा मुआ शेर का, और ऐसा बताया जाता है जब जो राजा थे जयसिंह, वो माता के बहुत भक्त थे, राजपूत परिवार, राजपूत खानदान, माता का तो ये राजा से बात करा करती थी, बोला करती थी। अच्छा बुरा बताया करती थी, तुम्हारे साथ क्या होने वाला, सभी सावधान करती थी। अच्छा, ऐसे शक्ति पीठ ये मंदिर है। और इसमें व्हाइट कलर की जो मूर्ति है, दो त्रिशूल लेके, वो है बटक भैरू। और इसमें एक चतुर्भुज दुर्गा माता है, जो दुर्गा माता जिनके नर बलि चढ़ाई थी। अच्छा, नर बलि अब नहीं, पहले की पहले राजा। अच्छा, तो वो नर बलि वहाँ पे एक निकुम महल है जहाँ पे बंजारे रहते थे, वहाँ पे माता बलि चढ़ाई जाती थी। और फिर इसके अंदर एक माता और है जो चांदी की मूर्ति इतनी बड़ी, अच्छा, माँ दुर्गा की। तो ये जो ये ताम्रपत्र है, इसमें माता के संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं, दुर्गा सरस्वती के। और ये प्राचीन टाइम से बहुत ही मतलब शक्ति के पास देख रहे हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये बाला किला फोर्ट के अंदर बना हुआ है। श्री कृष्ण राधा जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। जय हो जय हो, बहुत ही शानदार मंदिर, एकमात्र मंदिर है बाला किले के अंदर। ये महाराज जयसिंह जी के द्वारा बनवाई गई और इसको कटवा दी गई। ये अधकटी नकदी तोप के नाम से भी जानी जाती है। क्या नाम से? नकदी तोप, अधकटी। अच्छा अच्छा अच्छा, अधकटी तोप के नाम से ये जानी जाती है। और ये आज तक फायर नहीं हुई, इसलिए बाला किला यानी कुंवारा किला, राजा पूरे शस्त्र के साथ और कैनन के साथ तैयार थे कि अटैक होता है तो उस पूरे इंतजाम थे उनके पास, पर बाला किला पे आज तक अटैक नहीं हुआ। ये महाराज अल्लू राय 1049 के अंदर इसको बनवाया गया। और 1492 में राजा असंका मेवाती द्वारा इसके परकोटे और इसकी दीवारों को बनवाया गया। ये तभी बनी थी ये तो, ये राजा। और ये पेड़ भी बहुत रेयर है, इसके बारे में इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, इसलिए इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। ऐसा बताया जाए जो ब्रह्मा जी थे सृष्टि के रचयिता, वो इसको मानव कल्याण के लिए धरती पे लेके आए थे। अच्छा। वो पेड़ है कल्प वृक्ष। और इसको पैर में लगाया जाता है, इसका छोटा पेड़ आपके बगल में है, ये वाला, ये भी कल्प वृक्ष है। ये दोस्तों रुद्राक्ष का पेड़ है, और पहली बार मैंने भी जिंदगी में अपना रुद्राक्ष का पेड़ देखा है, जो डायरेक्ट पेड़ पे लगते हुए रुद्राक्ष। इस बाला किला में ही ये पेड़ है, और कल्प वृक्ष भी मैंने पहली बार देखा है, जो इससे पहले दिखाया था। बहुत ही शानदार ये किला, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही शानदार है। सर ये जो देख रहे हो, ये पहले के टाइम पे जब घोड़े वहाँ से कैचर करते थे और कैनन इसके स्टैंड होता था, कैनन स्टैंड, इसको आगे ऐसे घोड़ा लेते थे। चिंगारी लगाते बारूद, इसके अंदर धीरे डाल दिया जाता था, और फिर जब ये पूरी अंदर चल जाती थी फिर यहाँ पर
ये इसमें आ जाता छतरपुर मैं छतरपुर है। ये भाई लोग छतरपुर से आए हैं दिल्ली से और अलवर घूमने आए हैं। और आप सिर्फ अलवर घूमोगे? हाँ अलवर ही घूमेंगे। हाँ ये सिर्फ अलवर घूमने आए हैं और आज ही वापस जाएंगे ना? हाँ जी। अभी हम ये ट्रैक करके जा रहे हैं, एक व्यू पॉइंट है वहाँ से पूरी अलवर सिटी दिखाई देती है और हम बिल्कुल भी नहीं थके। और अभी बाला किला हमने एक्सप्लोर कर लिया है और इसके बाद अब व्यू पॉइंट जा रहे हैं ट्रैक करके। ये हमारा छोटा भाई अक्षय। हाय गाइस। और इसकी आजकल ये चला रहा कमांडो। कैसी है कमांडो? एकदम क्लासी क्लासी है ना? मजा आता है एकदम। कमांडो तो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मजा आता है चलाने। And I can feel your pain now. I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same. Now इसको यहाँ बोला जाता सागर। कौन सा सागर? ये पानी जिसमें ग्रीन ग्रीन पानी दिखाई दे रहा है, ये है सागर। और जिसमें टाइटैनिक पड़ा हुआ है। हाँ हाँ चुप चुप चुप। जो बोटिंग टाइप में बना हुआ है ना, वहाँ पे उसे फवारे चलते हैं, मतलब गर्मी के लिए। अच्छा। और इसमें ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो मनसा देवी का मंदिर है। ओके ये। और ये जो इसमें पैदल ट्रैक वाला ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये एक पैदल रास्ता है इधर ऊपर आने का किले में। इसमें आपके रास्ते में पड़ता है किशन पोल गेट और सूरज पोल गेट। जो सूरज पोल गेट है वो 5 नंबर का गेट है और जो 6 नंबर का गेट है वो है किशन पोल। किशन पोल उसको इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे मंदिर है कृष्ण जी का, इसलिए वो किशन पोल के नाम से जाना जाता है। और ये जो 3 छत से देख रहे हो आप नीचे छतरी, ये जो छतरी बनी हुई सागर की, उससे पीछे जो 3 डिजाइन वो है सिटी पैलेस म्यूजियम। कौन से वाला? वो बने हुए हैं वो सिटी पैलेस। यही है वो मयान में तलवारें, दो तलवारें और राजा के हथियार, चांदी की साइकिल। हाँ इसके अंदर आप नीचे से जाना पड़ेगा। और ये है जो देख रहे हो आप गुम्मट टमे बन रहा है, इसको बोलते हैं मुशी रानी की छतरी। एक माता थी मुशी रानी, वो यहाँ सती हुई थी उनके। ये कैमरा पकड़ो ठीक है। बहुत बढ़िया थैंक यू। ये राजा जयसिंह जी के कुत्ते ने चलाई थी इसको। कुत्ते ने? हाँ महाराज जयसिंह जी के कुत्ते ने चलाई थी और राजा ने उसको तोप चलाने में ट्रेन करा था कुत्ते को। तो समय बताने के लिए वो हवा में फायर करता था। अच्छा ठीक है। फिर तोपची ने सबसे बड़ी कैनन बनाई ये वाली। तो राजा से बोला कि महाराज मेरे पास से लगता है ये फट सकती है, इसको आप चेक करवा के देखो। तो उनने मना कर दिया, मैं अपने सैनिक से तो नहीं चलवाऊंगा, इसको कुत्ते से चलवाऊंगा। तो राजा जैसे जी जब कुत्ते से चलवाई तो कुत्ते को पानी में पौंड पर कूदने का मौका नहीं मिला और ये फट गई। अच्छा। क्योंकि सबसे लंबी तो बन गई इसलिए फट चुकी। तो महाराज जयसिंह जी बोले कि अब कुत्ते की जब मौत हो गई तो महाराज जयसिंह जी ने नीचे समाधि बनवाई। 1940 में उसकी मौत हो गई कुत्ते की। लॉर्ड विंटर ये है इसका। चलिए इसके बाद और कुछ है? इसके बाद आपका वो एक शिकार पॉइंट है नारोदी। पड्डा बांध दिया जाता था। अच्छा अच्छा। उस लालच में टाइगर अंदर आता था और गेट बंद हो जाता था और गेट बंद होने के बाद ऊपर से शूट करते थे। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हंटिंग पॉइंट और हिंदी में बोला जाता है नारबाड़ा। नारबाड़ा इसलिए क्योंकि पहले के टाइम में टाइगर को टाइगर नहीं बोलते, शेर नहीं बोलते थे, पहले के लोग नहार बोलते थे, इसलिए नारबाड़ा। ये टॉपिक है छोटा सा। Just keeps on moving. I don't get why it feels like it's looping.